हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आप थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज किन स्टूडेंट्स की बात करने जा रहा हूँ। मैं आज उन स्टूडेंट की बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने 2017 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी और उनको अभी तक डिग्री नहीं मिली है। तो डिग्री से रिलेटिव बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है, तो आप देख सकते हैं न्यूज़ में क्या है। हाई कोर्ट का DU का आदेश ग्रेजुएशन की डिग्री जारी करने की समय सीमा बताए। इसका ये मतलब है कि दिल्ली जो उच्च न्यायालय, जो हमारे हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट है, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये आदेश दिया है कि जिन छात्रों की ग्रेजुएशन 2017 से पहले कंप्लीट हो गई या जो इस साल होने वाली है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट, जो इस साल होने वाली है, उनकी डिग्री जारी करने की समय सीमा कोर्ट मांग रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो आप देख ही सकते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आदेश में ये बोला गया है कि आपको समय सीमा बतानी पड़ेगी कि आप डिग्री कब तक जारी करोगे। तो जैसा कि इस आर्टिकल में दिखाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से उन छात्रों की डिग्री जारी करने के लिए समय सीमा बताने का निर्देश दिया है जिन्होंने 2017 से पहले स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर लिया था, जो इस साल स्नातक करेंगे। अदालत ने कहा कि उन जिन छात्रों की तत्काल डिग्री की ज़रूरत है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रति देने पर विचार किया जाए और इस बारे में एक हलफनामे में विवरण दिया जाए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, जो कि यहाँ की जज है, ने कहा कि अभी जारी किए जा रहे ऑनलाइन डिजिटल डिग्री प्रमाण पत्र केवल एक भाषा अंग्रेजी में है। आप देख सकते हो जो हमारी जो डिग्री आती है वो दो भाषा में आती है, हिंदी और इंग्लिश। जो ये ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड करा रहे हैं डिजी लॉकर से, वो सब एक ही भाषा में अवेलेबल है, जबकि पहले दिए जाते रहे डिग्री प्रमाण पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होते थे। उच्च न्यायालय ने कहा, आदेश दिया जाता है कि ऑनलाइन डिग्री के दोनों प्रारूप यानी दोनों लैंग्वेज में, चाहे एक भाषा में हो या दोनों भाषा में, उन उम्मीदवारों के लिए वैध होंगे जो उन्हें दूसरे देशों के विश्वविद्यालय में जमा करने है। उस उद्देश्य के लिए इस आदेश का उपयोग किया जा सकता है। तो ये खबर उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी है जिनको अभी तक डिग्री नहीं मिली है। तो देखते हैं, जैसे जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कराता रहूँगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी जैसी कोई अपडेट होगा। और रिजल्ट से रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।